दोस्तों ये है पुमा का बॉक्स जिसके अंदर है बहुत ज्यादा खूबसूरत जूता, और ये है टोटल 5 जूते जिसके अंदर वैसे ही भाई जिसके अंदर उतने ही अच्छे अच्छे जूते हैं। तो अगर आप 3000 के अंदर में पुमा के जूते खरीदने की सोच रहे हो, मे बी ये पांचों में से कोई एक जूता आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट दिस पुमा हार्ट। पहला पुमा का जूता हमारे पास हमारी इकलौता ये बॉक्स है ना, जिसकी कंडीशन अच्छी भाई, सारी की धज्जियां निकल चुकी है। ऐसे टिपिकल आपको पुमा का रेड बॉक्स मिल जाएगा और इसका स्टाइल नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है फ्रीक स्लिपॉन। पुमा के पूरे लाइनअप का सबसे सस्ता जूता है। वेट की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा लाइट वेट नहीं है, लेकिन हाँ हल्का हल्का फील हो रहा है। पूरी अपर बॉडी आपको इसमें ब्लैक कलर की मिल जाएगी, नीचे व्हाइट कलर का रबर सोल मिल जाएगा, जिसके नीचे पुमा पुमा करके ना इसके ग्रूव्स बनाए गए हैं। ऊपर में आपको पुमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि प्लास्टिक कोटिंग से की गई है, रेड कलर है ना, तो ब्लैक ऊपर में बड़ी अच्छे से निकल कर आ रहा है। अब चूंकि ये स्लिप ऑन जूता है, साइड में आपको प्लास्टिक वाली डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप अपने पैर को आराम से इसके अंदर डाल पाओगे। ऊपर के अगर मटेरियल की बात करें तो ओवरऑल इसकी पूरी बॉडी लेदर से बनाई गई है, ब्लैक कलर का लेदर है, लेकिन इसे मैट रखा गया ना, जिसके कारण से एकदम प्रॉपर ग्लॉसी कचकच ब्लैक जैसा नहीं दिखता है। पीछे में आपको छोटा सा रेड कलर की पुमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, मल्टीपल लेदर पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। अंदर के अगर इंसोल की बात करें ना, तो भाई बहुत तगड़ी क्वालिटी का इसमें इंसोल डाला गया है। ऊपर साइड में उतनी आपको खास कोई पैडिंग नहीं मिलती, लेकिन ओवरऑल एक बहुत खूबसूरत स्लिप ऑन शू है, लिटरली अच्छा जूता है। तो अगर आपको एक सिंपल ब्लैक डिसेंट ब्रांडेड जूता चाहिए ना, स्लिप ऑन जूता चाहिए, डेफिनेटली इसके ले जा सकते हो। इसे हमने भाई 1100 रुपए के आसपास में खरीदा है। आई नो कि सेल में थोड़ा और सस्ता मिलेगा, लेकिन अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स की बात करें तो यहाँ पर इसका जो लेदर है ना, बहुत ज्यादा प्रीमियम आपको फील नहीं होगा, थोड़ा सा दिल से कहूं तो ना रेक्सीन टाइप का फील होता है। साथ ही पहनने के वक्त ना मैंने अपना साइज नंबर ही मंगवाया है 9, थोड़ी सी ना मुश्किल आ रही थी, तो स्टार्टिंग में अगर आपको ये मुश्किल आएगी ना, तो ये समझ लेना चूंकि ये नया जूता है, इलास्टिक उतना इसका स्मूथ नहीं हुआ है, इसलिए भी ये हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पुमा का जूता क्या हमारे पास है? हर क्या भाई, एकदम फूफा जी निकले, जहां गए पसर गए। सॉरी, गंदा जोक मारोगे नहीं, फैमिली वाला तो पीछे पड़ जाता है। ऑलराइट, कागज निकालते हैं भाई। जूते का जो लुक है ना, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। लिटरली पूरी अपर बॉडी ब्लैक कलर की आपको मिल जाएगी, पूरा बॉडी ना भाई इंजीनियर्ड मेटल से बनाया गया है, बहुत ज्यादा लाइट वेट, बहुत ज्यादा ब्रीदेबल होता है। मल्टीपल लेदर पैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे, हालांकि आपको ब्लैक के साथ ना अमेजिंग अमेजिंग कलर्स भी देखने को मिल रहे होंगे, जैसे येलो है, ब्लू है, रेड है। टंग भी पूरा इसका आपको मेश का मिल जाएगा, ब्लैक कलर के आपको लेस मिलते हैं, और टंग के ऊपर में टेक्सटाइल फैब्रिक के ऊपर ब्रांडिंग की गई है। अंदर के जूते की पूरी जो लाइनिंग भी है ना, मेश की है, साथ ही ब्लू कलर की है, तो बाहर से देखने पे ये जो कॉलर का जो कट है ना, वहां पे ब्लू दिखता है, बहुत खूबसूरत लगता है। अंदर के अगर इंसोल में देखोगे तो यहाँ पर आपको वही पुराना पुमा का पेटेंट टेक्नोलॉजी वाला सॉफ्ट फोम प्लस देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है, अच्छी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होती है। साइड साइड के अंदर अंदर की पैडिंग वैडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, और अगर डिजाइनिंग की बात करें तो जितने भी आपको ब्लू कलर के लेदर्स देखने को मिल रहे हैं ना, वो सारे शाइनी लेदर्स हैं। लेकिन टो बॉक्स के फ्रंट में ये जो आपको येलो दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा ना वेलवेटी या फरी टाइप का ना लेदर इसमें डाला गया है। हालांकि बैक वाला जो येलो कलर का लेदर पैच है, वो एक्चुअल में लेदर ही है पुमा की, इसमें आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, पीछे एक फुल टैप मिल जाएगा रेड कलर का। साइड में अगर देखोगे जो पुमा का स्ट्रिप है, बहुत खूबसूरत ब्लैक कलर के लेदर से डाला गया है, जिसपे आपको रेड कलर की ना आउटलाइनिंग्स देखने को मिलेगी। वही लेकिन इनर साइड में इसे पूरा ब्लैंक रखा गया है। क्लोजली अगर देखोगे ना, तो फ्रंट में और साइड साइड में भी ना आपको वही फरी वाला लेदर देखने को मिलेगा, क्योंकि उतना विजिबल नहीं है, क्योंकि बॉडी के कलर के साथ मैच किया हुआ है। मिड सोल की बात करें तो पूरा व्हाइट कलर आपको इसमें फोम मिलता है, जहां पर थोड़ी कट वट के थ्रू डिजाइनिंग बना दी गई है, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का या कुछ नहीं फोम में नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक डिसेंट स्टेबल एक्सपीरियंस आपको मिलता है। इनर साइड में तो नहीं, लेकिन जूते के आउटर साइड में आपको कहीं कहीं में ना येलो कलर के पेंट और ब्लू कलर के पेंट देखने को मिलेंगे, जो इसमें थोड़ी सी और डिजाइन ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं है। बॉटम सोल में भी आपको सिर्फ फ्रंट वाले एरिया में और नीचे बॉटम वाले एरिया में ना हार्ड रबर ग्रिप देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर में एक में पुमा की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। ओवरऑल जूता बहुत ज्यादा लाइट वेट नहीं, लेकिन एक अच्छा हल्का जूता आप इसे मान सकते हो। और फिटिंग विटिंग ना भाई इसकी बहुत ज्यादा अच्छी थी, फ्रंट का टो बॉक्स बहुत ज्यादा अच्छा था, पहनने में ओवरऑल जूता बहुत ज्यादा अच्छा और स्टाइलिश लग रहा था। एक थोड़ी सी क्या अजीब चीज मुझे लगती है ना, हालांकि पुमा की ऑलमोस्ट इनके सारे मॉडल्स में ना एक सेम पैटर्न जैसा ना फ्लो करता है। तो अगर आप इसके राइडर सीरीज देखोगे या फिर RSX सीरीज देखोगे ना, सब में इसी टाइप की ना कलरफुल कलर ब्लॉकिंग डिजाइन आपको देखने को मिलेगी। ये अराउंड 2500 रुपए के आसपास में आपको मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जा सकते हो, ये कोई फोर्स करने वाली चीज नहीं है। और जूते का नाम है पुमा एक्सरे ग्रिलियन। नेक्स्ट पुमा का बॉक्स आ गया हमारे पास में, फटाफट इसे निकालते हैं। ये जूता एक्चुअल में ना भाई बहुत तगड़ा चीज निकला। वैसे अगर इसके खुले डब्बे के खुले दिल वाले खुले प्राइस को देखें, तो यहाँ पर भाई लिखा हुआ है 6999, और इसका नाम है लिक्विड सेल मेथड। एक बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये जूता आता है। कागज निकालने के बाद ना जैसा इसका साइज दिख रहा ना जूते का, उस हिसाब से इसकी जो वेट है सिर्फ और सिर्फ इसके आउटर सोल में है। इसकी बात करें तो इसमें आपको 3 कलर देखने को मिलेंगे। जो मेजर कलर है वो आपको व्हाइट देखने को मिलेगा, बाकी ब्लैक एंड फ्लोर
100% ग्रीन से ना इसमें डिटेलिंग ऐड की गई है, पूरी अपर बॉडी इसकी इंजीनियर्ड मेस से बनाई गई है। एंड एक्चुअली जो मेस के विंड्स की जो साइज है ना भाई इसमें बहुत बड़ी बड़ी है। राइट साइड में आपको मड प्रोटेक्शन के लिए रबर की कोटिंग देखने को मिल जाएगी, लेस होल्स के साइड साइड में भी आपको हल्की हल्की कोटिंग मिलेगी, और वैम्स के साइड में देखोगे ना या साइड पैनल जो बोल लो वहां पर आपको काइंड ऑफ लेदर के ना पैचेस देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू लेस होल्स में भी स्ट्रेंथ आता है। साइड में आपको पूमा का स्ट्रिप देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है क्योंकि व्हाइट के ऊपर में ब्लैक है और उसमें भी ना भाई हल्के हल्के ना टेक्सचर्स आपको देखने को मिलते हैं, और यही डिजाइनिंग आपको दोनों तरफ देखने को मिल जाएगी। टंग इसका पूरा मेश का बना हुआ है, ऊपर में आपको एक ना डिफरेंट मटेरियल का ना फ्लैप देखने को मिलता है जिसके ऊपर में आपको फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर से पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। बीच में आपको टंग होल्डर मिल जाएगा, पूरा व्हाइट कलर का आपको लेस मिलता है। देखो आजकल ना कंपनीज इतनी अजीब अजीब और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स यूज करने लगी है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है प्रोडक्ट के मटेरियल को गेस करना या उसके नाम को बताना। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आपको दिल से पता होगा कि कितना इन्फॉर्मेशन वहां पर होता है साइट में। और अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भाई हम टेलीग्राम में आपके लिए खतरनाक खतरनाक डील्स लेकर आते हैं, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो वन चांस टीजी। साइट की पैडिंग वैडिंग बहुत अच्छी है, कॉलर कट इसका बहुत अच्छा, पीछे में आपको एक पुल टैप मिल जाएगा, पीछे आपको एक और लेदर पैच मिलता है जिसके ऊपर में पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर में है, और उसके नीचे भी आपको एक व्हाइट कलर का पूरा पैच मिलता है लेदर का। ये जो छोटी छोटी फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर की डिटेलिंग की गई ना, चाहे पूमा के साइन के साइड साइड की आउटलाइनिंग की बात करें या छोटी मोटी ब्रांडिंग की बात करें, बहुत ज्यादा ना इसमें लाउडली इस कलर को यूज नहीं किया गया जिसके कारण ये जूता एक बहुत खूबसूरत इमेज मेंटेन कर पा रहा है। अंदर अंदर तक की आपको पैडिंग वैडिंग तगड़ी मिल जाएगी। अगर इसके इंसोल की बात करें, देखो इंसोल बहुत ज्यादा अच्छा मैं नहीं कहूंगा, एक सिंपल सा फोम है, लेकिन एक्चुअल जो पहनने का एक्सपीरियंस है ना वो मैं आपको बताऊंगा। मिडसोल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको अगेन बहुत अच्छा फोम देखने को मिल जाएगा। मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ कि इसमें भी ईवीए होगा, हालांकि कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। नीचे की तरफ आपको हार्ड रबर ग्रिप देखने को मिल जाएंगे जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, नीचे आपको पूमा की ब्रांडिंग मिलती है और यहाँ पर लिखा हुआ है लिक्विड सेल। अब आपके दिमाग में आएगा आखिर क्या है लिक्विड सेल। बहुत सारे ब्रांड्स के अपनी अपनी कुशन देने की टेक्नोलॉजी होती है उनके पास, जैसे नाइकी के पास एयर है, एसिक्स के पास जेल टेक्नोलॉजी है, सेम पूमा की एक सीरीज में उसी टाइप के जेल टेक्नोलॉजी को पूमा बुलाती है लिक्विड सेल। और वो लिक्विड सेल को आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना। अगर इसके फाइनल यूजर एक्सपीरियंस की बात करें ना, तो फ्रंट में आपको इतना चौड़ा टो बॉक्स मिलता है, आगे उंगलियों में आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाला। साइड साइड में अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो ये ब्लैक वाला जो आपको कलर दिख रहा है ना, ये एक्चुअल ना अंदर से पैडिंग को ऐड किया गया है जिसके कारण ना साइड साइड से एक सपोर्ट मिलता है। कैमरे पे ना बाहर से इसकी कुशनिंग उतनी नहीं दिख रही थी, लेकिन इनसाइड जो मैं फील कर पा रहा था ना वो भाई नेक्स्ट लेवल था। फील हो पा रहा था कि हाँ इसके अंदर कुछ तो अलग है। तो अगर आपको एक कंफर्टेबल बेटर एक्सपीरियंस चाहिए ना, एक ऐसा कैजुअल शू चाहिए जिसको आप थोड़ा मोड़ा जिम में भी पहन पाओ, कभी चाहो तो आप कैजुअली भी घूम पाओ, उसके साथ वॉक कर पाओ, आराम से इसके लिए जा सकते हो। एक पूमा का जूता आगे हमारे पास में, फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, लेकिन इसका नाम देख ले भाई, इजी लाइम। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना बहुत सारे लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन बातों को समझना, उसके बाद ऐसे करके पार करना। जस्ट देखो पार करना, हरा देखा कि नहीं, एकदम हरा हरा ही ले चल दिए। जस्ट लुक एट दिस गाइस। ऑलराइट कलर को पहले कवर कर देते हैं। यस इसमें फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर यूज हुआ है, पूरे अपर बॉडी ना मेश से बनाई गई है, मेश की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। साइड साइड में आपको प्लास्टिक की कोटिंग मिलेगी, ये रबर पैच नहीं है बल्कि बड़े बड़े ना प्लास्टिक के पीसेस को यहाँ पर स्टिक किया गया है, और उसी पैचेस के थ्रू यहाँ पर आपके लेस होल्स में स्ट्रेंथ डाली गई है। साइड में इसकी ब्रांडिंग को डिजाइन किया गया है, आउटर साइड में भी सेम चीज यूज हुआ है, बस वो ब्रांडिंग के साइड साइड में ना आपको ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग देखने को मिल जाती है। इसका आपको उसमें पूरा टंग मिलता है सेम फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर का, आपको इसमें लेस भी मिल जाएगा, टंग के ऊपर में आपको ब्लैक कलर की पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। साइड साइड सब तरफ आपको सेम यही कलर देखने को मिलता है। साइड की पैडिंग अच्छी है, कॉलर कट अच्छा है, इनसोल की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। आउटर सोल की बात करें, इसमें भी आपको बहुत अच्छा ईवीए फोम देखने को मिलेगा जिसमें थोड़े थोड़े कट्स के थ्रू यहाँ पर डिजाइनिंग की गई है। नीचे में पूरा हार्ड रबर ग्रिप आपको देखने को मिल जाएगा, फ्रंट में पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, नीचे आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड ओवरऑल ये जूता बहुत गजब लग रहा है। अब आप बोलोगे क्या गजब लग रहा है यार, कैसा तो दिख रहा रहा, तेरी सोच घटिया, तेरी पसंद घटिया, मेरे को पता है आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं। लेकिन एक्चुअल इसके कलर को इसलिए डिजाइन किया गया है ना क्योंकि ये एक टोटली रनिंग फोकस्ड जूता है। जब आप कभी ट्रैक पे या स्ट्रीट्स पे रन करते हो ना, ये बहुत जरूरी होता है कि आप प्रॉपर रोड में विजिबल हो, ये जूता आपको हेल्प करता है। तो अगर आप एक एक्चुअल में तगड़ा रनिंग जूता खोज रहे हो ना, आराम से इसके लिए जा सकते हो। ये जूता हाईली नॉट रिकमेंडेड है पार्टियों में जाने के लिए, कैजुअली घूमने के लिए,
वैसे आप मुझे कमेंट में बताना कि बिग बॉस ओटीटी में आप किस कंटेस्टेंट को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो और क्या आप चाहते हो पुनीत सुपरस्टार वापस आए। मैं तो चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताना। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट लास्ट पूमा का खुल्लल बॉक्स आ गया हमारे पास में, जिसका मुंह खुल्लल तो नहीं है। पता है जूता आने से ज्यादा खुशी इस बात की होती है ना भाई, डब्बा अच्छा आया भाई, क्योंकि भेजने वाले डब्बे होते हैं ना। ऑलराइट, इस वाले पूमा के जूते की बात करें, इसका नाम है पूमा अल्फा रन। कलर की बात करें तो ये लाइट ग्रे डार्क ग्रे नहीं है, बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा ना ग्रीन का टिंट डाला गया है, जिसे पूमा बोलती है टी ग्रीन। अब जो भी ग्रीन है वो आप अपने नजरे गड़ा कर देख लो। फ्रंट में इसका टो बॉक्स एक्चुअल में बहुत ज्यादा चौड़ा है, पूरी अपर बॉडी जो है वो निटेड फैब्रिक इसमें बनाई गई है। फ्रंट में आपको बड़ा सा लेदर पैच देखने को मिल जाएगा, जो कि मड गार्ड का काम करता है। लेस उसके साइड में भी आपको लेदर पैच देखने को मिल जाएगा, जहां पर साइड में पूमा की हरी कलर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जो कि सच में गंदी लग रही है। पूरा सेम निटेड फैब्रिक वाला आपको यहां पर टंग देखने को मिल जाएगा, जहां पर अगेन पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी हरे कलर की। हालांकि टंग की पैडिंग वैडिंग अच्छी है, अंदर की भी पैडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, कॉलर कट बहुत ज्यादा अच्छा है, इनसोल की क्वालिटी ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें भी वही पूमा का सॉफ्ट फोम प्लस यूज किया गया है। पीछे आपको एक ग्रीन कलर का पीछे आपको फुल टाइप मिल जाएगा ग्रीन कलर का, और ठीक उसके पीछे देखोगे ना तो वही सेम स्वेड टाइप का ना मटेरियल यहाँ पर डाला गया है। पता है ये जो नया मटेरियल आया ना, बहुत नए नए जूते में देख रहा हूँ, थोड़ा सा ना स्वेड ऐसा फील होता है, लेकिन ना स्वेड एक्चुअल में रहता नहीं है। आउटर सोल की बात करें तो यहाँ पर आपको सेम ईवे फोम देखने को मिल जाएगा, जिसके पीछे पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ पर ऑरेंज टाइप का ना कलर यहाँ पर डाला गया है, थोड़ा ऑरेंज ब्राउनिश टाइप का लगता है। कहाँ से मैच कर रहा मेरे भाई, लेकिन एक्चुअली जो भी है देखो, जिसने भी मैंने रंग दिया इसके कारण इसका जो लुक है या जो इसका आउटर सोल है ना, थोड़ा सा चंकी दिखने लगता है। नीचे आपको कोई हार्ड वर्क ग्रिप नहीं मिलता, ओवरऑल इसमें ग्रूव्स भी बनाए गए हैं, पूमा की ब्रांडिंग भी दी गई है। एवरी डे सिंपल या थोड़ा मोड़ा जिम विम का जाने के लिए आप इसे एक एज अ कैजुअल शू पहन सकते हो। देखो टू बी ऑनेस्ट, अगर इस हॉल की बात करें ना प्रॉपर, बहुत ज्यादा बेहतरीन जूते इस हॉल में नहीं निकले, एक्सेप्ट वो लिक्विड सेल वाला, वो सच में अच्छा था। एकदम लोएस्ट वाला जो था ना, वो बहुत ज्यादा तगड़ा था। एंड गेम में कैसा लग रहा हूँ, ये सारे जूते का आप पीछे देख लो, इसकी जो प्राइसिंग है वो 1600 के आसपास मैंने दी है, और अगर इस प्राइस में आपको मिल रहा है और ये अगर अच्छी आपको लग रही है तो आप आराम से जा सकते हो। और अगर आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू, ये भाई भाई का प्यार, ये टकरार, ये जो भी अच्छा लगता है, मेक श्योर की चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, इंस्टाग्राम टेलीग्राम फॉलो कर ले। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बू